दूसरे एपिसोड में मीना को चैन आके यूरी की मॉम से पूछती है, क्या यूरी का कोच विक्टर ही है? ऐसी अफवाह मैंने सुनी है, तो वो कहते हैं हाँ वो यहीं पर ही है। तब विक्टर सो रहा होता है, तब वो उसे देखते हैं और बातें करते हैं। तब मीना को चैन कहती है, रशिया में ये बहुत ही बड़ी खबर हो गई है कि क्या ये अगली सीजन में परफॉर्म करेगा। इसने जब से तुम्हारी स्केटिंग वीडियो देखी वो काफ़ी इंस्पायर हो गया है और उसने ठान लिया कि वो तुम्हारा कोच बनेगा। वो सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए ही आया है, तुम उसे यहाँ लेकर आए हो। तब रशियन यूरी न्यूज़ पढ़ता है कि विक्टर जापान गया है यूरी को देखने और सोचता है क्या वो भूल गया है उसने मुझे क्या प्रॉमिस किया है। तब विक्टर के कोच न्यूज़ में इंटरव्यू देते हैं कि वो अभी छुट्टियों पर गया है, उसका मन होगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद विक्टर जाग जाता है और कहता है मुझे भूख लगी है। तो यूरी पूछता है तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो वो कहता है मैं तुम्हारा कोच हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है। तब यूरी की मॉम उसे पोर्क कटलेट खाने के लिए कहती है और कहती है कि ये यूरी की फेवरेट डिश है, तब उसे भी वो पसंद आती है। तब यूरी उसे देख खुश हो जाता है। तो मीना को चैन उसे कहती है तुम्हारा वजन बढ़ गया है, ये सिर्फ तभी खाता है जब ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है। तब विक्टर उससे पूछता है तुमने क्या ये खाया? तो यूरी कहता है हाँ खाया ना। तो विक्टर उसे कहता है तुम ये नहीं खा सकते, तुमने अभी तक कुछ जीता भी नहीं है, और उसे वजन कम करने के लिए कहता है। उसके बाद विक्टर यूरी से पूछता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? और उसके पास आकर कहता है कि हमें प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक दूसरे पर विश्वास होना जरूरी है। तब यूरी उससे दूर हो जाता है। तो विक्टर उससे पूछता है क्या हुआ? तो यूरी कहता है मैं डर गया तुम्हारे पास आकर। दूसरे दिन वो दोनों प्रैक्टिस करने के लिए आइस कास्टल जाते हैं, वहाँ यूको चैन भी होती है। विक्टर को देख वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद पार्क में यूरी और विक्टर बैठे हुए होते हैं, तब पीछे एक निंजा कास्टल होता है। तब उसके बारे में वो यूरी से पूछता है और वहाँ जाकर फोटो खींचकर वो सोशल साइट पर डालता है। तब रशियन यूरी उसकी पोस्ट देखता है। उसके पोस्ट देखकर सारे रिपोर्टर्स उसके घर आने लगते हैं और वो जहाँ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए वहाँ भी। दूसरे दिन रशियन यूरी जापान पहुँच जाता है और विक्टर जहाँ होता है वो वहाँ जाता है। तब उसके कोच को पता लगता है कि वो विक्टर के पीछे पीछे जापान पहुँच गया है। तब वो उसे डांटता है और उसे वापस आने के लिए कहता है, पर वो आने से मना कर देता है जब तक विक्टर नहीं आता तब तक। उसे विक्टर ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाओगे तब सीनियर डेब्यूट में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहां पहुंचते ही रशियन यूरी को बहुत ही गुस्सा आता है यूरी को देखकर और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये देख यूको चैन की लड़कियां फोटो खींचने लगती है। आगे यूरी कहता है उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रोग्राम कोरियोग्राफ करेगा मेरे लिए, और तुम्हें क्या कहा? तो यूरी कहता है उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो सिर्फ यहाँ मुझे कोचिंग देने के लिए आया है। तब विक्टर यूरी को देख खुश होता है और पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? शायद मैं अपना प्रॉमिस भूल गया हूँ इसलिए, तब उसे सॉरी कहता है। तब यूरी उसे वापस रशिया चलने के लिए कहता है, पर तब विक्टर कहता है एक हफ्ते बाद हॉट स्प्रिंग ऑन आइस इवेंट होने वाला है तो उसमें जो भी जीता मैं उसे कोच करूंगा। तब वो दोनों मान जाते हैं। उसके बाद यूरी विक्टर और यूरी को देख सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है और यूरी कॉन्फिडेंस भी है ग्रैंड प्रिक्स फिनाले जीतने के लिए। उसके बाद विक्टर यूरी की मॉम से पूछता है कि यूरी कहाँ गया है, तो वो कहते हैं शायद वो गया होगा मीना को चैन के पास। फिर वो मीना को के वहाँ जाता है पर वो वहाँ भी नहीं होता। तब मीना को चैन कहती है वो जब भी अकेला महसूस करता है तो वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तब विक्टर उसे देखने के लिए आइस कास्टल जाता है तो वो यूरी वहाँ होता है। तब विक्टर उसे प्रैक्टिस करते हुए देख खुश होता है। अगले दिन विक्टर उन दोनों को एक म्यूजिक सुनाता है, तब वो कहता है ये दोनों म्यूजिक अलग है, एक इरोस है और एक आगापे, और पूछता है कि तुम दोनों ने कभी प्यार के बारे में सोचा है? तो वो मना करते हैं। उसके बाद वो दोनों को म्यूजिक के बारे में बताता है कि आगापे म्यूजिक है वो अनकंडीशनल प्यार को दर्शाता है और इरोस की थीम है सेक्सुअल प्यार। तब वो यूरी को इरोस थीम पर और रशियन यूरी को आगापे थीम पर स्केटिंग करने के लिए कहता है।
तब रशियन यूरी मना कर देता है कि मैं इस पर नहीं कर सकता। तब विक्टर उसे कहता है कि लोग क्या सोचते हैं उससे अलग ही करना चाहिए, तभी तुम उन्हें सरप्राइज कर सकते हो। तुम दोनों को ही सेल्फ अवेयर होना चाहिए। और कहता है अगर तुम दोनों ने अगले हफ्ते तक ऐसा नहीं किया जैसा मैंने कहा है तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी कोरियोग्राफ नहीं करूंगा। तुम दोनों मेरे फैन हो तो तुम ये कर सकते हो। फिर ये सुन वो दोनों मान जाते हैं। तब रशियन यूरी कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें रशिया वापस आना पड़ेगा और मेरा कोच बनना पड़ेगा, यही मैं चाहता हूँ। तब विक्टर हाँ कहता है। फिर विक्टर यूरी से पूछता है तुम जीत गए तो तुम क्या चाहते हो? तो यूरी जवाब देता है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पोर्क कटलेट खाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जीतता रहूँ और तुम्हारे साथ पोर्क कटलेट खाता रहूँ। तब विक्टर ये सुन खुश होता है और कहता है यही है जो मुझे पसंद है। और एपिसोड खत्म हो जाता है।